मानव उत्थान सेवा समिति भिलाई दुर्ग एवं मानव सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में मरोला स्थित आश्रम में स्कूली बच्चों के लिए 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कई विधाओं के गुर भी सीखे। 2 दिवसीय समर कैंप के कार्यक्रम में बच्चों को भजन, नृत्य, रंगोली, चित्रकला, खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान आदि अनेक विधाएं बच्चों को सिखाई गई। समर कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने अपनी कला का बखूबी यहां पर प्रदर्शन किया और आयोजकों द्वारा इन कलाओं की बारीकियों को भी बच्चों को दिखाया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रोत्साहन हेतु अन्य शिक्षण सामग्री दी गई। मानव उत्थान सेवा समिति एवं मानव सेवा दल जिला दुर्ग द्वारा श्री हसयोग आश्रम मरोदा भिलाई में पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी ने कहा कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, हम चाहे तो उसे जैसा संस्कार दें उसी के अनुरूप वे बन जाएंगे। आज आधुनिकता के कारण बच्चे अपनी संस्कृति सभ्यता से काफी दूर हो गए हैं, जिन्हें सुसंस्कारित करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये बच्चे ही आगे चलकर हमारे समाज देश को एक नई दिशा देंगे। मानव सेवा दल के द्वारा पूर्व में भी विभिन्न जनहित के कार्य जैसे सफाई अभियान, वृक्षारोपण, रैन बसेरा, रक्तदान शिविर आदि किए जाते हैं। इसी कड़ी में ये समर कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति मानव सेवा दल के तहत समर कैंप लगाया गया 2 दिन का, जिसमें बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, ग्राफ्ट, डांसिंग, योगा, प्राणायाम, रंगोली ये सब सिखाया गया। मानव सेवा दल के द्वारा इसका आयोजन किया गया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समर कैंप, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है इसलिए आश्रम के अंदर ये कैंप लगाया गया, ताकि बच्चे हमारे कल का भविष्य है, पढ़ लिख करके आगे बने, उनका भविष्य उज्जवल बने, यही हम लोगों की कामना है। आज के युग में जहां बच्चे मोबाइल के प्रति ज्यादा रुझान रखते हैं, ऐसे में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रकृति के अनुरूप नहीं हो पा रहा है और इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को घर से बाहर निकालकर उनके अंदर छिपी प्रतिभा को उभारा जाए और उन्हें बंद कमरे में जीवन बिताने से रोका जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।